हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है स्पेस स्वीपर्स। मूवी की ओवरऑल लेंथ आपको 2 घंटे 17 मिनट की मिलेगी, हालांकि 2 घंटे 11 मिनट में ये मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। जो इसका हिंदी वर्जन है वहाँ पर आपको कुछ कुछ इंग्लिश डायलॉग सुनने को मिलते हैं, तो इतना आप लोग मैनेज कर लोगे। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने आज सही गेस किया कि मैं किस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो यार ये उनके नाम है, तो यार थैंक यू सो मच, दिल से कह रहा हूँ आपको यार इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि शुरू होता है 2092 से, जहाँ पर हमें नजर आती है एक स्पेसशिप जिसका नाम है विक्ट्री। अब इस स्पेसशिप में 4 क्रू मेंबर्स है। अब इन चारों की आपस में नहीं बनती, खैर इनका काम यह है कि स्पेस में जितने भी गार्बेज यानी कि जितने भी कचरे हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयड सैटेलाइट हो या पुरानी टूटी हुई स्पेसशिप हो, ये मलबे ये लोग कलेक्ट करते हैं और उसको बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एक मिसिंग बच्ची डोरोथी मिलती है इन क्रू मेंबर्स को। फिर उसके बाद इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर, अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की कि तो देखिए, इस मूवी का जो हाफ कॉन्सेप्ट है उस पर आपने बहुत सारी मूवी देखी है, लेकिन जो इसमें स्पेस का टच डाला ना, वो इस मूवी को दूसरी हर एक मूवी से पूरी तरह से अलग करता है और वहीं पर आपका इंटरेस्ट इस पूरी मूवी में बन जाता है। उसके अलावा इस मूवी का जॉनर है कॉमेडी एक्शन स्पेस एडवेंचर, तो यहाँ पर आपको हर एक डिपार्टमेंट की कॉमेडी भी जबरदस्त देखने मिलेगी, एक्शन भी गजब का देखने मिलेगा। और फेस से रिलेटेड चीज़ों के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा, जो विजुअल्स यहाँ पर बताए ना भाई, मूवी के स्टार्ट होने के 10 मिनट के बाद ही बस आप लोग पूरी तरह से इस मूवी से कनेक्ट हो जाते हो और जगह से हिलते नहीं हो। कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, स्पेशली जो 4 क्रू मेंबर्स हैं उनके बारे में एटलीस्ट इतना तो बताया कि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होती कि भाई ये कैरेक्टर आखिर आया कहाँ से या इसका पास्ट में क्या कुछ हुआ था, यानी कि सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जो इसके VFX है वो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं और किसी साउथ कोरियन मूवी से इस तरीके का VFX मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो इसलिए फुल मार्क्स बोलूँगा इस मूवी के VFX की। और स्पेस से रिलेटेड जो जो चीज़ें बताई है, बहुत दिन हो गए कि एक स्पेस एडवेंचर मूवी देखे हुए और फाइनली ये मूवी देखकर एक दिल को सुकून मिला और जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया वो तो गजब का ही था। मूवी का BGM बहुत अच्छा है, यानी कि एकदम परफेक्ट BGM इस तरीके का होना चाहिए एक स्पेस एडवेंचर मूवी में। और अगर आप लोग बहुत बड़े फैन हो कोरियन मूवीज़ के तो आपको पता होगा कि उनकी मूवी में इमोशनल चीज़ें बहुत ही हाई लेवल की होती है, और यहाँ पर भी ये मूवी में जो इमोशनल टच डाला है ना भाई, अगर आप किसी बच्चे से कनेक्टेड हो छोटे बच्चे से, तो ईजिली आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इस मूवी को देखते दौरान या इस मूवी के क्लाइमेक्स में, तो 100% आने ही आना है। हर एक एक्टर ने अपने सीक्रेट रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जो दो छोटे बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, अगर इस मूवी की नेगेटिविटी की बात करेंगे तो यार 2 घंटे 11 मिनट या 17 मिनट के अलावा, या अगर 2 घंटे की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कहीं से भी एडल्ट सीन नहीं है, फुल टू इंजॉय करोगे। फैमिली के साथ देखना, स्पेशली बच्चों के साथ देखना, तो उनको मज़ा आ ही जाएगा। मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। मैं पूरी तरह से एंटरटेन हुआ, लेकिन इसकी जो लेंथ थी वो थोड़ा बहुत मुझे खटक रही थी, और इस मूवी की जो कहानी वो मैं हाफ वे में प्रेडिक्ट कर चुका था, तो इस वजह से मैं इसको 8.5 की रेटिंग दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग एक साउथ कोरियन मूवी देखना चाहते हो और वो भी साइफाई, तो ये डेफिनेटली मिस मत करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन